दोस्तों क्या हो अगर आपको कोर्ट द्वारा बार बार बिना गलती के सजा सुनाई जाए जबकि आपकी कोई गलती ना हो। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की कोशिश करना। जिसकी शुरुआत में हम एक बाबू बड़ा बास नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसका इस प्यारी सी क्यूट सी बच्ची पर दिल आ जाता है, जिससे वो बात करने जाता है, जो उससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सबके सामने किस करो ताकि सभी को पता चले कि तुमने जिसको सबसे पहले किस की थी वो मैं हूँ। बाबू जैसे ही आंख बंद करके उसको किस करने की कोशिश करता है, तभी एक शरारती बच्चा उसकी पैंट को नीचे सरका देता है, जिस पर वहां खड़ी ऑडियंस बाबू की छोटी लुल्ली देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे वो बहुत शर्मिंदा होता है। आगे कहानी शिफ्ट होती है 25 साल बाद, जहां एयरपोर्ट पर हम बाबू बड़ा बांस को उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया बालखंडे के साथ देखते हैं, जो अपने ऑफिस के किसी काम से दूसरे शहर जा रहा है। गर्लफ्रेंड बालखंडे उसको गुड बाय किस करने के लिए बोलती है, पर वो किस नहीं कर पाता क्योंकि आज भी उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसकी पैंट ना सरका दे। खैर आगे वो प्लेन में होता है, जहाँ उसकी सीट पर कोई कब्जा करके बैठा था, जिससे वो कब्जा छोड़ने के लिए कहता है, तो कब्जे वाला कहता है, भाई मैं यहाँ बैठ चुका हूँ और मेरी तशरीफ अब आराम की पोजीशन में आ चुकी है, इसीलिए यार तू मेरी सीट पर जाकर बैठ जाना। अब वो एक अच्छा और शांत स्वभाव का आदमी था, इसीलिए वो चुपचाप जाकर उसकी सीट पर बैठ जाता है, जहाँ उसके बगल में ये लुच्चा नाम का शख्स बैठा था। प्लेन उड़ान भरता है और लुच्चा हेडफोन लगाकर मूवी देखने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बड़ा बास उससे हंसने का कारण पूछता है, तो वो कहता है, अपना हेडफोन मांग ले वरना मूवी का अच्छा पार्ट मिस कर देगा तू। जिस पर वो बगल से ही गुजर रही एयर होस्टेस से हेडफोन मांगता है, जो उसके लिए हेडफोन लेने जाती है और दूसरी एयर होस्टेस के साथ गप्पे मारने लगती है। बड़ा बास एयर होस्टेस को फिर से हेडफोन की याद दिलाता है, वो कहती है, सर अभी लाती हूँ, थोड़ी सी तसल्ली रखिए, और फिर से दे गप्पे मारने लगती है, जिसमें वो उसका हेडफोन लाना भूल जाती है। और जब वो उसके बगल से गुजरती है तो वो उसे छूकर कहता है, मैम मेरा हेडफोन ला दीजिए प्लीज। वो कहती है, साले बहुत हो गया तेरा, मुझसे ऐसे चिल्ला कर बात मत कर। बड़ा बास कहता है, मैम मैं चिल्ला कर बात कहाँ कर रहा हूँ, आप मुझे बस मेरा हेडफोन ला दीजिए प्लीज। वो कहती है, बस बहुत हो गया तेरा साले भड़वे, तुझे पता भी है हमारा देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अगर आप साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। वो कहता है, मैम मैं बिल्कुल साथ दूंगा और मैं साथ देने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर आप मुझे मेरे हेडफोन ला दीजिए, उसका आर्थिक संकट से क्या लेना देना। इतने में ही वहाँ एक कालिया एयर मार्शल आ जाता है, जो उससे कहता है, सर आप मेरे साथ प्लेन के पिछले हिस्से में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और अंधेरा कायम करना है। वो कहता है, पर सर आपको मुझसे क्या बात करनी है जब मुझको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस बात इतनी सी है कि ये एयर होस्टेस मेरी बात नहीं सुन रही है। एयर मार्शल कहता है, सर शांति बरकरार रखिए, शांत हो जाइए, मैं आपकी कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए शांत हो जाइए। वो कहता है, रे यार मैं शांति तो हूँ, बस मुझे अपनी मूवी देखनी है, मेरा हेडफोन ला दो यार, बस इतनी सी ही तो बात है। एयर मार्शल कहता है, सर मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अबे बहन के दिन ने सुअर के टट्टे में शांति तो हूँ। जिस पर एयर मार्शल तुरंत अपना फेजर निकाल लेता है और उसको जोर का झटका देता है, जिससे वो काफी देर तक फड़फड़ाता रहता है। आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जज उसे एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी और मारपीट करने के जुर्म में $3,500 का फाइन सुनाती है और उसके गुस्से पर लगाम लगाने के लिए उसे 20 घंटे की एंगर मैनेजमेंट थेरेपी लेने का भी हुक्म सुनाती है, जिसके बाद वो कोर्ट के हुक्म के हिसाब से एंगर मैनेजमेंट थेरेपी लेने पहुंचता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि हवाई जहाज में जो उसके बगल में लुच्चा नाम का शख्स बैठा था वही उसका थेरेपी सेशन लेगा। जिस पर वो दौड़ता हुआ डॉक्टर लुच्चा के पास जाता है और उसको याद दिलाता है कि वो कौन है, जिससे डॉक्टर उसे पहचान जाता है कि ये तो वही हेडफोन वाला बंदा है। बाबू बड़ा बास कहता है, देखिए डॉक्टर साहब मैं आपके बगल में ही बैठा था और आपको पता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए आप इन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए और कह दीजिएगा कि मुझे कोई गुस्से की समस्या नहीं है। डॉक्टर लुच्चा कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम बस मेरा एक सेशन अटेंड कर लो ताकि मैं लोगों को बोल सकूं कि मैंने तुम्हारी प्रॉपर जांच की है और तुम में गुस्से का गू भी नहीं है। आगे वो डॉक्टर लुच्चा की क्लास में पहुंचता है, जहां काफी सारे लोग मौजूद थे, जिसमें ये दो सेक्सी लोंडिया भी है जो अपने आप को बिल्लो रानी गैंग के नाम से बुलाती हैं, जो दोनों नीली फिल्मों की स्टार है, जिन्होंने एक दिन गुस्से में उनकी मारने वाले के डंडे पर लात मार दी, जिस वजह से वो यहाँ हैं। आगे ये वाला बंदा जब बस में सफर कर रहा था, तब एक बंदा अपनी सेटिंग से बात कर रहा था, इसने कहा, बात मत कर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पर वो बात करता रहा, बस फिर क्या था, ये उसकी छाती पर चढ़ गया और उसकी दबा कर कुटाई की, जिस वजह से वो यहाँ है। ये वाला बंदा जब इसकी फेवरेट टीम हारती है तो इसके दिमाग में गुस्से के मगरमच्छ तैरने लगते हैं, जिससे ये अपने आसपास की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। आगे है ये वाला बंदा जिसका नाम है जेब कतरा, पर इसका जेब कतरी से कोई लेना देना नहीं है और ये यहाँ
यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसने गुस्से में अपने पड़ोसियों को गाली दी और उनके दरवाजे पर टट्टी कर दी। जिसके बाद डॉक्टर लुच्चा बाबू बड़ाबास को सभी से मिलवाता है और बताता है कि इसने एयर होस्टेस पर हमला कर दिया था। बिल्लो रानी गैंग पूछती है, अरे वाह, देटा पाटप अच्छे से पीटा क्या? जिसके बाद डॉक्टर लुच्चा जो डेढ़ शाणा था बाबू बड़ाबास की चूड़िया कसने लगता है, पूछता है हमें अपने बारे में कुछ बताओ। वो कहता है मैं फलाना फलाना कंपनी में फलाना फलाना पोजीशन पर हूँ। डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हारे काम के बारे में नहीं पूछा, अपने बारे में बताओ। वो कहता है मैं एक अच्छा आदमी हूँ और कभी कभी टेनिस भी खेलता हूँ। डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हारी हॉबीज के बारे में नहीं पूछा, अपने बारे में बता भाई, अपने बारे में। वो कहता है साले महात्मा के लोड़े और कैसे बताते हैं अपने बारे में। जो सुनते ही वहाँ पर बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि बाबू बड़ाबास यहाँ क्यों है। जिसके बाद ये सेशन खत्म होता है और वो डॉक्टर से साइन करवाने जाता है। डॉक्टर कहता है नहीं मैं साइन नहीं करूंगा, बल्कि मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारा टाइम दोगुना कर दिया जाए। जिसके साथ साथ वो जेब कतरा को उसका गुस्सेल पार्टनर बनाता है ताकि वो एक दूसरे को शांत रखने की कोशिश कर सके। वहीं एक बार में हम बड़ाबास की गर्लफ्रेंड सोनिया बालखंडे को उसके दोस्त बुलडोजर वाला के साथ देखते हैं, जो सोनिया पर उसके कॉलेज टाइम से फिदा है पर वो उससे कभी पटी नहीं। तभी वहाँ बड़ाबास आता है और कहता है तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरी आंखों को सुकून आ गया। जिसके बाद वो दोनों मूतने जाते हैं जहाँ बड़ाबास बुलडोजर वाला का घोड़ा देखता है जो कि सचमुच बुलडोजर के माफिक था। बोले तो वो किसी भी लड़की की हवेली में सुरंग बनाने के लिए परफेक्ट था। आगे बड़ाबास अपनी बेबी के साथ घर पहुंचता है और कहता है मैंने यार बाथरूम करते वक्त तेरे दोस्त बुलडोजर वाले का देखा, क्या वो पिछले जन्म में गधा या घोड़ा था क्या? क्योंकि मैंने इससे पहले इतने बड़े साइज का कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा उसका देखकर? सोनिया बालखंडे कहती है पर मैंने उसका कभी नहीं देखा क्योंकि मैं उसके साथ कभी सोई ही नहीं। क्या सचमुच उसका बहुत बड़ा है क्या? जिस पर वो तुरंत ही बात घुमा देता है, कहता है अरे नहीं 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 यार, उसका तो बिल्कुल छोटा सा है। मैंने तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा भाई तू ये टोपी लटका कर क्यों घूम रहा है। जो सुनकर बेबी जोर जोर से हंसने लगती है, क्या सचमुच उसका इतना छोटा है? तभी उसका गुस्सेल पार्टनर जेब कतरा उसके घर की बैल बजाता है, कहता है फटाफट नीचे आजा, मेरा मूड खराब है और अगर मैं ऊपर आया तो मैं तेरी वहां धो धो के मारूंगा। जो सुनकर बड़ाबास को डर लग जाता है कि कहीं वो मेरे साथ साथ मेरी बेबी की ओर धो धो के ना मारे, इसीलिए वो उससे मिलने चला जाता है। जहां जब वो दोनों एक बार में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे तभी जेब कतरा कहता है वो चश्मे वाला बंदा मुझे घूरे जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे घूरे। वो कहता है पर भाई मुझे तो लगता है कि वो चश्मे वाला बंदा तो अंधा है। जेब कतरा कहता है ठीक है तू उस अंधे को संभाल लेना, मैं उसके बगल वाले को संभाल लूंगा। और उस टकले के सर पर थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या बे उजड़े चमन, तेरी बाल वालों से दुश्मनी है क्या? जिससे वहां हाथापाई शुरू हो जाती है जिसमें बाबू बड़ाबास बीच बचाव करवाने की कोशिश करता है। तभी अंधा भी मैदान में कूद पड़ता है और उस पर दे लाठी बरसाने लगता है। बाबू उससे उसकी लाठी छीनने की कोशिश करता है जो गलती से एक लेडी वेटर के मुंह पर लगती है जिससे वो वहीं लंबी लेट जाती है। आगे जेब कतरा को तो छोड़ दिया जाता है और उसे उठाकर फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है जहां उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने एक फीमेल वेटर को अच्छे से कूट कूट कर धोया और एक अंधे लोड़े से उसकी लाठी छीनने की कोशिश की और बार में तोड़फोड़ मचाई। जिस आरोप में जब जज उसको एक साल की जेल वाली सजा सुनाने वाली थी तभी वहां डॉक्टर लुच्चा आता है जो जज से कुछ गुपचुप कहता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जज उसको जेल वाली सजा नहीं सुनाती, कहती है तुम्हें 30 दिनों के लिए डॉक्टर लुच्चा के साथ रहना होगा और अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की तो तुम्हें अगली एक साल जेल में काटनी होगी। जिसके बाद डॉक्टर अपना सारा साजो सामान लेकर उसके यहाँ रहने पहुंच जाता है जहां वो उसका म्यूजिक कलेक्शन देखता है और कहता है तुम सिद्धू मूसेवाला के गाने नहीं सुनोगे क्योंकि वो तुम में जोश भर देता है जिस जोश की तुम्हें कतई जरूरत नहीं है, और उसकी म्यूजिक सीडीज को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। बड़ाबास कहता है ओ, 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 ओ। क्या बकचोदी है भाई, इनके पैसे कौन देगा, तेरा बाप? डॉक्टर कहता है सुन अंधे लोड़े, अगली बार मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, आई बात समझ में? वो कहता है हाँ साहब मैं समझ गया। डॉक्टर कहता है तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए मुझे रूल बनाने पड़ेंगे, जैसे कि तुम्हें सिगरेट सुगरेट बीड़ी बूढ़ी गांजा गुंजा चरस वरस तम्बाकू वम्बाकू दारू वारू हीरोइन वीरोइन जैसी चीजों से दूर रहना होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी बेबी तुम्हें ना दे और तुम्हारा मुठ मारने का मन करे तो तुम बिना वीडियो देखे मुठ मारोगे। और भी बहुत सारे बाकी है, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा, जो सब करने में हमें बहुत मजे आएंगे। वो कहता है काहे का मजा बे, अब तो बस ये सुनना बचा है कि तुम सांस भी गुस्से में मत लेना, गुस्से में मूतना मत, गुस्से में मुठ भी मत मारना और गुस्से में बेबी की भी मत मारना। बताओ
कोई इंसाफी है ये? अगले दिन डॉक्टर लूचा बड़ा बास के साथ ऑफिस जाता है, जहाँ उसकी डेस्क पर उसकी बेबी का दोस्त बुलडोजर वाला आता है, जिसका पेंट में पड़ा हुआ खच्चर का घोड़ा देखकर डॉक्टर लूचा सन्न रह जाता है। जिसके वहाँ से जाने के बाद वो बड़ा बास से कहता है, अरे बाप रे, ये है क्या तेरी बेबी का दोस्त? साले उसके पास तो हथौड़ा है, क्या तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि वो तेरी बेबी का दोस्त है, जो साला घोड़ी और गधी दोनों को एक साथ खुश कर सकता है? भाई परखच्चे उड़ा देगा परखच्चे वो तेरी बेबी के, फिर मारता रहियो गुफा में सिर। बड़ा बास कहता है, रे यार ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी जेब में कुछ रखा हो, जबकि इस साले को सारा पता है कि उसकी जेब फटी पड़ी है। आगे डॉक्टर ना जाने उसको क्या सिखाना चाहता था कि वो उसे दो धारी तलवार के एरिए में ले जाता है, बोले तो वो उसे ट्रांसजेंडर के एरिए में ले जाता है, जिसमें वो एक गैलेक्सिया नाम के ट्रांसजेंडर को अपनी गाड़ी में बड़ा बास के साथ बैठा देता है, जो उससे पूछता है, क्या हाल है बे चिकने, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बाबू बड़ा बास है। अच्छा बाबू बड़े बास, तो ये बता तू कौन से शहर से आया है, जरा बता ना रे चीकने। मैं ब्रुकलिन शहर से आया हूँ, और तू कौन से शहर से आई है या आया है? मैं जर्मनी के एक छोटे से गांव जिसका नाम अंधे लोड़े फौज में दौड़े से आया हूँ, तो चल बता ना रे, मेरे साथ हाथी का खंडाला करेगा? वो कहता है, साले मैंने बचपन में ही केड़ा खानी छोड़ दी थी, चल अब निकल यहाँ। आगे वो दोनों अपने घर पर होते हैं, जहाँ बड़ा बास के पास हॉस्पिटल से डॉक्टर लुच्चा के लिए कॉल आती है, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहे थे, जिसमें उसे बताया जाता है कि डॉक्टर लुच्चा की माँ की सर्जरी होने वाली है, फटाफट आकर उनसे मिल लो, जो बात वो डॉक्टर को बताता है। लेकिन डॉक्टर वहाँ अकेला जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, कहता है, तू भी मेरे साथ चलेगा वरना मैं तेरी नेगेटिव रिपोर्ट बनाऊंगा और तू अगली एक साल जेल में काटेगा। जो सारी बात वो अपनी बेबी को बताता है कि वो डॉक्टर कितना बड़ा चूतिया है जो उसको अपने साथ बोस्टन ले जा रहा है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारने लगता है, कहता है, मैं अल्फाज हूँ तेरी हर बात समझता हूँ, मैं अल्फाज हूँ तेरी हर बात समझता हूँ, मैं एहसास हूँ तेरे जज्बात समझता हूँ, अरे बावली मैं वो भंवरा हूँ जो तेरी अंडरग्राउंड नदी का पानी पीना चाहता हूँ। बेबी कहती है, रे यार ये शब्द तो मेरे हैं जो मैंने अपने बाबू के लिए लिखे थे। वो कहता है, हाँ और ये सब मुझे तुम्हारे बाबू के डस्टबिन में पड़े मिले। बेबी कहती है, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शब्दों को कचरे के डब्बे से निकालने के लिए। जिसके बाद वो बड़ा बास को बाय बोलती है और वो दोनों 5 घंटे की ड्राइव करके बोस्टन पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर की माँ की नाक में सिर्फ एक मूंगफली फंस गई थी। जिसके बाद वो कुछ खाने पीने के लिए बार में जाते हैं, तभी वहाँ एक मस्त माल लड़की आती है जिसका नाम है रंग दे दुपट्टा मेरा। डॉक्टर बाबू से कहता है, देख क्या मस्त लड़की आई है, जा उस पर लाइन मार। वो कहता है, नहीं मैं उस पर लाइन नहीं मारूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर कहता है, अबे साले भड़वे मैं तेरे को ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तू उसको लेकर भाग जा, चल जा फटाफट उससे बात कर वरना मैं तेरी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करूंगा। जिस पर बड़ा बास ना चाहते हुए भी सड़ी सी शक्ल बनाकर उसके पास जाता है और कहता है, मैम आप बहुत खूबसूरत हो, क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ? वो कहती है, चल निकल बे यहाँ से। जिस पर वो अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर फिर से डॉक्टर के पास पहुँचता है। डॉक्टर कहता है, जानता है उसने तुझे क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि तूने उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। तू दोबारा से उसके पास जा फुल कॉन्फिडेंस में और जो शब्द मैं तुझसे कहूँ वो जाकर उसे बोल दे, अगर वो नहीं पटी तो मैं तुझे अपने प्रोग्राम से रिहा कर दूंगा, ये मेरी जुबान रही। जिसमें वो बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करके अपना जिगरा हाथ में लेके उससे बात करने जाता है, कहता है, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात से एग्री कर लेंगे, बस आप एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, हम जिंदगी भर आपके इंतजार में मुट्ठी मार लेंगे, हम जिंदगी भर आपके इंतजार में मुट्ठी मार लेंगे। प्यार तुमसे मैं इस कदर करता चला जाऊं, प्यार तुमसे मैं इस कदर करता चला जाऊं, तू मुझे जख्म दे और मैं उन्हें भरता चला जाऊं, अरे तू मुझे जख्म दे और मैं उन्हें भरता चला जाऊं, तेरी जिद रहे कि तू मेरा झाट डालेगी और मेरी जिद रहे कि मैं तेरी फाट डालूंगा। जो सुनते ही वो कहती है, भीण चो तू तो बहुत क्यूट है रे। वो कहता है, बे सड़ी क्या बकवास कर रही है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो डॉक्टर को इशारा करके बताता है कि लोंडिया सेट हो गई, पट गई। जिसमें वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं, काफी सारी बकवास करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। जिस बीच रंग दे दुपट्टा मेरा को ना जाने क्या होता है कि वो गर्म हो जाती है, जिसकी गर्मी देखकर बाबू की फट जाती है। तो वो डॉक्टर लुच्चा की तरफ देखता है, लेकिन डॉक्टर लुच्चा वहां से गोली हो चुका था। वो फटाफट वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि डॉक्टर की कार
भी वहाँ नहीं है। रंगदे दुपट्टा कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त चला गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या फिर तुम मेरे घर रुक जाना। जहाँ घर पर वो उसके सामने छोटे छोटे कपड़ों में मटकती फिरती है और थोड़ी ही देर में वो उन्हें भी उतार देती है, जो देखकर बाबू का उसे रगड़ने का मन तो करता है पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था, जिस सबसे वो उस पर भड़क जाती है और अपने घर से भी भगा देती है। आगे वो बारिश में टपकता टपकता डॉक्टर लुच्चा के घर पहुंचता है और कहता है, साले गद्दार, तू मुझको वहां क्यों छोड़कर भाग आया। डॉक्टर कहता है, अरे भाई तूने ही तो सिग्नल दिया था कि लोंडिया पट गई है, और हाँ, जब तू यहां नहीं था तेरी बेबी की कॉल आई थी जो तुझ पर भड़की हुई थी, क्योंकि मैंने उसे बताया कि तू किसी दूसरी औरत के तालाब में डुबकी मारने गया है। वो कहता है, अरे बावड़ी बूझ डॉक्टर, तू ये भी तो कह सकता था कि मैं अपने बाल कटवाने गया हूँ, ये कह सकता था कि मुझे जोर से टट्टी लगी थी तो मैं टट्टी खाने में हूँ। डॉक्टर कहता है, सॉरी दोस्त, मैं अपने मरीजों की छम्मक छल्लो से झूठ नहीं बोलता, तू मुझे छोड़कर किसी मस्त पटाखा के साथ चला गया और मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं झूठ बोलने में तेरी मदद करूं। वो कहता है, साले पागल बुड्ढे, वो सारा प्लान तेरा ही तो था, तूने ही मुझे उस लड़की को पटाने के लिए भेजा था। जिस पर डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है, रंगदे दुपट्टा मेरी पेशेंट रह चुकी है जो कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जिसका तुमसे बार में मिलना, उसका तुमसे पट जाना, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, ये देखने के लिए कि तू अपनी बेबी के लिए कितना सीरियस है। वो पूछता है, इसका मतलब ये है कि तूने मेरी बेबी सोनिया बालखंडे को कुछ नहीं बताया। डॉक्टर कहता है, हाँ बताया ना, तभी तो इतने मजे आ रहे हैं। बड़ा बास गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, साले बेवकूफ के बच्चे, मुझे अभी अपना फोन दे, मुझे अपनी बेबी से बात करनी है। डॉक्टर कहता है, अरे वो घर पर नहीं है भाई, वो बुलडोजर वाला के साथ गई है, वही बुलडोजर वाला जो अपनी पैंट में खच्चर का लेकर घूमता है। बेटा आज तो वो तेरी बेबी की मार मार के धूप में सुखा देगा। जो सुनकर बड़ा बास को भयंकर वाला गुस्सा चढ़ जाता है, कहता है, डॉक्टर तू अभी के अभी मुझे घर लेकर चल, वरना मैं तेरे प्राण पखेरु उड़ा दूंगा। लेकिन डॉक्टर भी पूरा जालिम था, जो अगली सुबह ही उसे घर की तरफ लेकर जाता है, जहां कार में वो उससे कहता है, हमारे झगड़े के बाद मैंने तेरी बेबी सोनिया बालखंडे से बात की, जिसको मैंने बताया कि सारी गलती मेरी ही थी, जिस वजह से वो अब तुमसे नाराज नहीं है, पर उसने मुझे बहुत गालियां ठोकी। जो सुनकर बाबू का मूड फिर से अच्छा हो जाता है कि चलो बुढ़ऊ ने सब कुछ ठीक तो कर दिया। आगे वो घर पहुंचते हैं, जहां बाबू सबसे पहले जाकर अपनी बेबी से मिलता है, जो उससे कहती है, डॉक्टर ने मुझे बहुत कुछ समझाया और मैं उनकी सलाह पर जरूर गौर करूंगी, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अब तुमसे नहीं मिलना चाहिए जब तक कि तुम्हारा ये एंगर मैनेजमेंट का किस्सा खत्म ना हो जाए। जो सुनते ही उसको फिर से डॉक्टर पर गुस्सा आ जाता है, जिसमें वो फटाफट अपने घर पहुंचता है डॉक्टर की खाट खड़ी करने, पर डॉक्टर वहां नहीं था क्योंकि उसके चमचे वहां थे, जो उससे कहते हैं, देख भाई तेरी गर्लफ्रेंड यहां आई थी और हमें लगता है कि वो तुझे चीट कर रही है। जेब कतरा कहता है, क्योंकि हमने उसे फोन पर किसी बुलडोजर वाले से बात करते हुए सुना, जिससे वो पास के ही किसी रेस्टोरेंट में मिलने वाली है। जो सुनते ही इसको फिर से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसे पता था कि बुलडोजर वाले का कितना बड़ा है, जो उसकी बेबी की पाड़ के पतंग बना देगा, जिसमें वो उस रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए बिल्लो रानी गैंग को बुलाता है और उनसे पूछता है, देखो तुम नीली स्टार रह चुकी हो और तुमने बड़े छोटे बहुत बड़े बड़े के भी बड़े देखे हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि छोटे बड़े से क्या कोई फर्क पड़ता है। जिसमें ये काली वाली कहती है, देख भाई सच बताऊं तो मुझे बड़े पसंद है। पिंकी कहती है, भाई मुझे बड़े नहीं गधे का पसंद है, गधे का, मुझे तब तक मजे नहीं आते जब तक औजार पीछे से मेरे दांतों में ना टकराए। जिस पर वो सोचता है कि यार इनसे तो गलत ही पूछ लिया, इन्हें तो पूरी सापट लेनी पसंद है। जिसके बाद वो उन दोनों को अंदर ले जाता है, जिनको देखकर सबकी फट जाती है कि यार इन मस्त पटाखों के साथ ये चिमगादड़ क्या कर रहा है। जिसमें वो अपनी बेबी को देखकर ऐसे नौटंकी करता है कि वो तो यहाँ गलती से आ गया। खैर अब वो आ ही गया है तो वो अपनी बेबी को बिल्लो रानी गैंग से मिलवाता है और वो उसे मिलवाती है डॉक्टर लुच्चा से, जिसे अपनी बेबी के साथ देखकर वो समझ जाता है कि डॉक्टर पक्का रंगीला आदमी है जो उसकी बेबी की बजाना चाहता है। जिसमें वो उसे साइड में ले जाता है और कहता है, साले मैंने तेरे जैसा मक्कार और चालबाज आज तक नहीं देखा। डॉक्टर कहता है, अबे क्या बकवास कर रहा है यार, मैं तो तेरी मदद कर रहा हूं, क्योंकि जब से तू अपनी बेबी से दूर हुआ है ना, बुलडोजर वाला उसके पास दे दमादम कॉल किए जा रहा है उसको उसके घुटनों पर लाने के लिए, और इससे पहले कि वो आक्रमण करता मैंने आक्रमण कर दिया। हम दोनों एक ही टीम में हैं भाई, मैं तेरी बेबी को बदनाम नहीं होने दूंगा। मेरा प्लान ये है कि मैं तेरी बेबी के सामने अपने आप को गांडू दिखाऊंगा और ऐसी ऐसी हरकतें करूंगा कि उसको दुनिया की हकीकत दिखेगी, जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि उसका तेरे अलावा कोई नहीं है। जो सुनकर वो बेवकूफ उसकी बात मान जाता है और डॉक्टर को उसकी बेबी के साथ छोड़कर चला जाता है। आगे घर पर जब डॉक्टर आता है तो वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे प्लान ने काम किया। डॉक्टर कहता है, हाँ प्लान काम कर तो रहा था, पर तभी हमारे बीच में 15 से 20 मिनट की चुम्मा चाटी हो गई, और दोस्त अब वो मुझसे बहुत गहरा वाला प्यार करती है और मैं भी उससे
प्यार करता हूँ, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो सुनते ही बाबू का इतना जोर का पारा हाई हो जाता है कि वो डॉक्टर की गर्दन दबोचकर उसे फेंक के मारता है। आगे सीन शिफ्ट होता है सीधा कोर्ट रूम में, जहां उस पर डॉक्टर लुच्चा की हत्या करने का इल्जाम लगाया जाता है और एक ऑर्डर पास किया जाता है कि वो अपनी बेबी और डॉक्टर लुच्चा से 500 गज की दूरी बनाकर चलेगा। आगे जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी बेबी खुशी खुशी डॉक्टर लुच्चा के साथ जा रही है, जो सब देखना उसके लिए बहुत दुखदायक था। अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे बुलडोजर वाला के जरिए पता चलता है कि डॉक्टर लुच्चा उसकी बेबी को बेसबॉल गेम दिखाने ले जा रहा है, जहां वो उसे शादी का प्रपोज ठोक देगा। जिस पर वो जल्दी से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाता हुआ स्टेडियम की तरफ भागता है, जहां वो अपनी बेबी को काफी देर तक पुकारता है और जब उसे उसकी पुकार का जवाब नहीं मिलता तो वो सीधा मैदान में जा खड़ा होता है, जहां बेबी उसे देख लेती है और वो उससे माफी मांगता है। कहता है, मैं जान गया हूं तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो, क्योंकि मैं सचमुच गुस्सेल आदमी हूं, जो गुस्सा मैं सिर्फ अपने ऊपर निकालता था क्योंकि मैं लोगों को मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव करने देता था, पर अब मैं बदलना चाहता हूं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझ में भी सही चीजों के लिए खड़ा होने का दम है। मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारा पति होना चाहिए, वो ठरकी डॉक्टर नहीं। तो बताओ सोनिया बालखंडे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है, इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं तुम्हें, मुझे इस भरी मार्केट में सभी लोगों के सामने किस करनी होगी। जिसमें वो सीधा उसके पास दौड़ता हुआ जाता है और पहली बार इतनी ज्यादा जनता के सामने बिना किसी से डरते हुए उसे किस करता है। तभी बड़ी सी स्क्रीन पर डॉक्टर लुच्चा उन दोनों को दिल से बधाई देता है और बाबू बड़ा बास को अपने प्रोग्राम से रिहा भी कर देता है। आगे जब वो दोनों वहां से घर जा रहे थे, तब बेबी उसे सारी हकीकत बताती है। कहती है, मैंने इस मूवी के शुरू होने से पहले डॉक्टर लुच्चा की किताब पढ़ी, फिर मैं उनसे मिली और तुम्हारी जिंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बताया। डॉक्टर लुच्चा ने कहा कि वो मदद कर सकते हैं, पर थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी। वो पूछता है, तो ये बताओ इस सब में नाटक क्या क्या था? वो बताती है, फ्लाइट में जो बंदा तुम्हारी सीट पर बैठा था, दूसरा वो एयर होस्टेस भी हमारी बंदी थी, तीसरा जो जज तुम्हें बार बार काले पानी की सजा सुनाना चाहती थी वो भी हमारी ही बंदी थी। मतलब कि तुम मान के चल सकते हो कि इस पूरी फिल्म में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब हमारा ही सेटअप था। जिसके साथ ही दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को इससे कुछ सीखने का मिला हो तो अच्छी बात है, वैसे बाकी कुछ सीखने का था नहीं। धन्यवाद।